नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कई सालों से मोदी अंबानी दोस्ती का राग अलापते नजर आ रहे थे। यहां तक कि हाय अंबानी हाय मोदी चिल्लाते चिल्लाते उनका गला तक बैठ गया था। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के जामनगर की कुछ मुलाकात हुई है, कुछ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, और तब से राहुल गांधी के भाषण में अब सिर्फ अदानी रह गए, अंबानी को भूल ही गए लगता है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस तो पहले भी अंबानी के साथ गलबैया करती आई है, अभी भी कर रही है, तो कौन सी नई बात हुई? नई बात तो यह है कि जो अंबानी मोदी भाई करते हुए नहीं थकते थे, वो आजकल अपने मोदी भाई से रुष्ट है। अब रुष्ट क्यों ना हो, मोदी जी के काम ही ऐसा किया है भाई। ये देश किसी की बपौती नहीं है, यही बात मोदी जी ने बता दी तो अंबानी भाई रुठ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि असली कारण क्या है। तो अंबानी के रुठने का कारण है भारतीय ब्रॉडबैंड मार्केट के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वार। असल में भारत में एक नई तरह की इंटरनेट टेक्निक आ रही है जो भारत की हर कोने तक इंटरनेट को पहुंचाएगी, और उसके साथ ही दो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको टेरिटरी स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच अंतर को समझना पड़ेगा। पहले जानते हैं कि यह टेरिटरी स्पेक्ट्रम क्या है। भारत में हर जिस वर्तमान मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस का उपयोग कर रहे हैं वो टेरिटरी पर आधारित है। टेरिटरी स्पेक्ट्रम का यूज सेलुलर नेटवर्क जो 4G 5G टीवी और रेडियो प्रसारण और वायरलेस कम्युनिकेशन वाईफाई जैसे ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। डेटा मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए वे सिग्नल की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। अब ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है? मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के स्थान पर यहाँ कम्युनिकेशन पृथ्वी और उपग्रह आई मीन सैटेलाइट के बीच होती है। आपने जो GPS इस्तेमाल किया है वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर आधारित है, क्योंकि यहाँ मोबाइल टावर और केबल की जरूरत नहीं है। इसलिए इन टेक्निक से मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को हर कोने में एक्सेस किया जा सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ जंगल में, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी आप इसके जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में हमारे पास केवल क्षेत्र आधारित सेलुलर और इंटरनेट सेवा है। पिछले साल भारत सरकार ने दूरसंचार विधेयक पारित किया और हर कोने में मोबाइल की पहुंचाने बढ़ाने के लिए भारत में सैटेलाइट आधारित सेवा शुरू करने का फैसला लिया। अब सवाल यह था कि स्पेक्ट्रम कैसे आवंटित किए जाएंगे, और इसका दो तरीका होता है, थ्रू ऑक्शन, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक। ऑक्शन में सरकारी नीलामी होती है और स्पेक्ट्रम और मोबाइल ऑपरेटर उच्च मूल्य देकर स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। टेरिटरी बेस्ड सेवाओं का आवंटन इसी पद्धति से किया जाता है। भारत में वर्तमान सेवा प्रदात है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी को ऑक्शन टेक्निक से ही स्पेक्ट्रम मिला है। लेकिन सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम एक ट्विस्ट है। आप टेरिटरी पर दावा कर सकते हैं लेकिन आप स्पेस पर दावा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं यह भारत का स्थान है, ये चीन का स्थान है, इसलिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की ऑक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्थान नहीं है। इसलिए दुनिया भर में एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड आवंटन की प्रथा है।
इसका मतलब है कि सरकार कीमतें तय करता है और कोई भी कीमत चुका सकता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है। अब आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब कहानी पर फिर से हम वापस आते हैं कि सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए टेलीकॉम बिल पारित किया। दुनिया में सबसे बड़ी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आधारित सेवा प्रदाता एलन मस्क की जो है स्टारलिंक है। इसीलिए भारत सरकार के इस फैसले ने भारत में स्टारलिंक के दरवाजे खोल दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर प्रकाशित हुई है कि जो के मालिक मुकेश अंबानी भारत सरकार के साथ ऑक्शन के लिए पैरवी कर रही है। अगर भारत सरकार ऑक्शन टेक्निक अपनाती है तो स्टारलिंक का दबाव यहां समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तकनीक आवश्यकताओं से पूरा नहीं कर पाएगी। अब ये कहानी नया मोड़ आ गया है। एलन मस्क क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुकेश अंबानी पर हमला करना शुरू कर दिया। रिलायंस ने लक्समबर्ग स्थित कंपनी एसिस के साथ मिलकर जियो स्पेस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। सुनील मित्तल समर्थित भारतीयों ने वन वेब में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की। दोनों ने वादा किया कि वे स्टारलिंक जैसा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अंतर है। जियो एसिमेस के पास 38 सैटेलाइट है, वनवेब के पास 630 सैटेलाइट है, स्टारलिंक के पास 6000 सैटेलाइट है। इसीलिए अंबानी की जियो स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय सरकार ने मुकेश अंबानी की बात नहीं मानी और वैश्विक अभ्यास और एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन चुना और इससे एलन मस्क खुश हो गए। एलन मस्क ने 16 अक्टूबर को ये पोस्ट किया और कहा कि स्टारलिंक जल्द ही भारत आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि एलन मस्क स्टारलिंक भारतीय बाजार में पैठ बना पाएगी और जियो और एयरटेल के ग्राहकों को खो जाएगी। ये सब कीमत पर निर्भर करता है। भारत में वर्तमान में ब्रॉडबैंड की कीमत लगभग 1000 रुपया प्रति माह है। स्टारलिंक अमेरिका में महंगा है, लेकिन एलन मस्क भारत में रियायती कीमतों की पेशकश कर सकते हैं और भारतीय बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। स्टारलिंक में निश्चित रूप से उसका स्पीड जो है वो अधिक है। इसे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल टावर या जो ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता नहीं है। अब स्टारलिंक कब आएगा, क्या करेगा, ये तो भविष्य बताएगा कि क्या होता है। लेकिन जो हुआ वो आपकी समझ आ गया होगा। मोदी जी पक्का बनिया निकले, साथ ही जनता का ध्यान रखने वाले भी। रिलायंस को मोनोपोली को मौका नहीं दिया और भारतीय बाजार को खोल दिया ताकि कंपटीशन वार में भारतीय जनता को फायदा हो। और बस यही से अंबानी भाई रुट गए और जामनगर से ऑटो में भरकर निकलने लगे और राहुल जी की भाषणों से अंबानी गायब होने लगे। लेकिन एक बात तो साफ हो गई भाई कि मोदी जी चाहे जो, लेकिन देश और इसकी जनता के हितों से कोई समझौता नहीं करते हैं। और यह जरूरी है, यह एक क्लियर मैसेज है। आज के लिए इतना। खुद इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।